हेलो फ्रेंड्स, ऋतुजा होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब के प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने फ्री में लगाए हैं। फ्रेंड्स, मैंने फ्री में बहुत सारे प्लांट्स लगाकर गार्डन तैयार किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो काम के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत है वही खर्च करने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। गार्डन का शौक है जो हम घर में फ्री में पूरा कर सकते हैं। मैंने आज तक नर्सरी से कोई प्लांट्स नहीं लाया है, आगे ज़रूरत पड़ी तो प्लांट्स लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। मैंने सारे प्लांट्स फ्रेंड्स के यहाँ से, रिश्तेदार के यहाँ से लाए हैं और बड़ा गार्डन तैयार किया है जो मैं आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको गुलाब के प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। घर में बनाए हुए पेस्टिसाइड और खाद से हम कैसे अपने गुलाब पर ढेर सारे फूल उगा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब के प्लांट्स पर कितनी कलियां और कितने फूल आए हैं। ये बहुत सारी कलियां आई है, इससे ढेर सारे फूल सुंदर सुंदर खिलेंगे। अब मैं बताऊंगी इसके केयर कैसे करती हूँ। पहले इसमें जो भी सूखे फूल और पत्तियां है इसे हटा दीजिए। बाद में इसे अच्छे से गुड़ाई करके 3 से 4 इंच गमले की मिट्टी निकाल लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम गुलाब के प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं और हाथों में चुभने का डर रहता है। इसलिए मैंने नया उपाय निकाला है। 3 से 4 इंच मिट्टी निकालकर मैंने किचन खाद और चाय पत्ती और थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके गमले में डाल दी और उसके बाद घर में बनाए हुए पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। इसकी वजह से प्लांट को कीड़ नहीं लगती और प्लांट हरे भरे और फूलों से लदे रहते हैं। 8 से 10 दिन बाद इसमें बहुत सारे फूल दिखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।